एक जनपद एक उत्पाद के तहत जिले में टेराकोटा के बाद अब रेडीमेड गारमेंट को भी स्थान मिलने की पूरी संभावना है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजय पांड्यन ने बताया कि गोरखपुर में पहले से ही रेडीमेड गारमेंट का कारोबार बड़े पैमाने पर होता चला आ रहा है। जनपद के सटे खलीलाबाद में रेडीमेड कपड़े का बहुत बड़ा बाजार लगता है। इसके अलावा परिषदीय विद्यालय के लगभग 3 लाख बच्चों को भी 2-2 सेट ड्रेस, लगभग 6 लाख ड्रेस यहाँ के कारीगरों द्वारा ही उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको देखते हुए गोरखपुर पहले से ही रेडीमेड के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी है और अब उसे एक जनपद एक उत्पाद के तहत और अधिक बढ़ावा देने का प्रयास शासन द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांड्यन ने बताया, गोरखपुर में पहले से ही परंपरा रहा, यहाँ तो गोरखपुर खलीलाबाद के बीच में 100 साल पहले से ही एक कपड़ा का ट्रेड चलती थी और यहाँ थोक मार्केट भी है और फुटकर मार्केट भी है। यहाँ जो कपड़ा ले जा करके बहुत सारे राज्य में अपने अपने जगह रेडीमेड गारमेंट्स बनती थी और उसी दिशा पे यहाँ छोटी छोटी रेडीमेड गारमेंट्स का यूनिट भी यहाँ गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया में खुल गया है। अभी क्या है, पहले ODOP में केवल टेराकोटा था, अभी रेडीमेड गारमेंट्स नाते से इसका प्रायोरिटी पूरा फोकस हम लोग इस पर देंगे। आपको याद होगा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, उन्हीं लोग भी स्टडी कर रहे थे, उन लोग भी ये पोटेंशियल बताए थे गोरखपुर में जो कितने रेडीमेड गारमेंट्स का जो क्वालिटी है और बनाने के कारीगर हैं और बनाने के वातावरण है, ये सब मौजूद है। इसलिए तो अभी तो सरकार ने उसको ODOP के रूप से रेडीमेड गारमेंट्स के लिए इसमें अनेक लोगों का रोजगार मिलता है। वैसे अभी उदाहरण के लिए बता दूं, अभी तो हमारा 3 लाख बच्चे हैं जो बेसिक शिक्षा विभाग का बच्चे हैं, उन्हीं लोग का हम लोग हर साल 6 लाख कपड़ा सिला के देना था, 2-2 सेट यूनिफॉर्म का। उसी का हम लोग जो और जनपद में हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट 1 महीने के अंदर गोरखपुर में इन्हीं लोग छोटे छोटे कारीगर के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप माध्यम से हम लोग सभी को रोजगार भी दिलाए और समय से जो गरीब बच्चे का हम लोग यूनिफॉर्म भी पहुँचाया। ऐसे अनेक योजना सरकारी योजना के साथ भी जुड़ जाएगा और यहाँ पूरे प्रदेश में सप्लायर के रूप से भी गोरखपुर उभर के आ जाएगा, एक अच्छा मौका है।